जी तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में गाड़ी लेकर आए हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। बहुत ही अच्छी और लश कंडीशन में गाड़ी आप बाय कर सकते हो, बहुत ही कम रेट में गाड़ी बाय आप कर सकते हो। जापान से एम्बर्ड गाड़ी है और किसी भी किस्म का मसला नहीं है। बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गाड़ी है ये। जी हाँ जी, अगर आप गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको गाड़ी की सारी डिटेल और गाड़ी की डिमांड और मालिक का रब्ता मिल जाएगा। देखने में गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई स्क्रैच नहीं है। फ्रंट इसका बहुत ही अच्छा है और साइड लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही साफ गाड़ी है। किसी किस्म का कोई स्क्रैच नहीं है। वैगन आर ही लगती है, जैसे वैगन आर होती है वैसे ही गाड़ी आपको फीलिंग्स देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इस गाड़ी की मेन डिटेल की, तो इस गाड़ी की मेन डिटेल जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना आपको इस तरह की लश कंडीशन की गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ जो यूज़ में होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जी हाँ जी, तो चलते हैं गाड़ी की मज़ीद डिटेल की तरफ। गाड़ी की डिटेल की बात करें तो ये मॉडल है मित्सुबिशी का ईके वैगन, 2016 मॉडल है। 2017 में गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है। सिर्फ 76,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, पेट्रोल पर ये गाड़ी चल रही है। रजिस्ट्रेशन इसकी कराची की हुई है, कागजात जेन्युइन है, इसके स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, बायोमेट्रिक भी हुई है। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ये ऑटोमेटिक आपको मिलेगी। 2017 में ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है। इंजन इसका ओके है, इंजन बॉडी कोई काम नहीं है, बिल्कुल देखने में गाड़ी लश कंडीशन में। इनसाइड आप देख सकते हैं, इसमें साउंड सिस्टम वगैरह अच्छी हालत में लगा हुआ है। अगर आप गाड़ी को बाय करना चाहते हैं तो बाय करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि अपने साथ किसी कार एक्सपर्ट को लेके जाएं, ताकि आप लोग अपनी तसल्ली करके इस गाड़ी को बाय कर सके और रेट में मज़ीद कमी बेशी करवा सकते हैं। बात करें हम गाड़ी की लोकेशन की, तो इस टाइम गाड़ी DHA फेस 4 कराची में मौजूद है। जो कराची के रहने वाले हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ से वो इजीली बाय कर सकते हैं। इंजन बॉक्स, इसके इंजन रूम चेक करें तो इंजन रूम बिल्कुल साफ़ है, इसकी बैटरी वगैरह इसमें नहीं लगाई गई है। इसके फीचर्स की बात करें तो ABS, ब्रेक, एयर बैग्स, एयर कंडीशनर, लॉयर रिम, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, पावर मिरर, पावर विंडोज़, पावर स्टेयरिंग, सन रूफ भी इंक्लूड है इसमें, और भी काफ़ी फीचर्स इसमें आपको मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इस गाड़ी की डिमांड की, तो सिर्फ 16.5 लाख रुपये डिमांड कर रहा है इसका मालिक, जो कि मौके पर कमी बेशी भी करवा सकता है। और डायरेक्ट अगर आप मालिक से रब्ता करना चाहते हैं तो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मालिक का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, जिससे वो कि बआसानी आप वहाँ से जाकर मालिक से रब्ता करके गाड़ी को बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से देखने में वो गाड़ी बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का मसला नहीं है। डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, लोकेशन भी बता चुका हूँ और मालिक का रब्ता भी बता चुका हूँ। मैं मिलता हूँ आगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।